हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रिकल के ऐसे तीन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिससे आप इलेक्ट्रिकल की शुरुआत भी कह सकते हैं कि जिसके बिना इलेक्ट्रिकल की शुरुआत नहीं होती। तो आज के टॉपिक है व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज पावर। तो इसे हम समझते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज करंट। देखिए इसकी डेफिनेशन, ऑन इलेक्ट्रिकल करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। इस तरह सर्किट में करंट फ्लो होता है। इसका सिंबल करंट का आई है, ऐसा यूनिट में एम्पियर है। ओम लॉ के अनुसार इसका इक्वेशन वी इक्वल टू आई आर यानी कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला होता है। तो ये थी करंट के बारे में बेसिक जानकारी। उसके टाइप है डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, और अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है। आपको पता है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है एसी में। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टू पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे वोल्टेज कहते हैं। और दूसरी रीते इसे कहे तो द पुश दैट कैस इज द करंट टू फ्लो। करंट फ्लो के लिए पुश यानी धक्का करने का कारण बनता है वोल्टेज। इसे हम इमेज के जरिए समझते हैं। सर्किट में वोल्टेज सोर्स है जो एक बैटरी या सप्लाई कोई भी हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके कारण करंट फ्लो होता है। उसे आसान भाषा में समझे तो कोई पानी का एक नल है, जब वह बंद होता है तो कोई पानी नहीं निकलता, यानी पानी को हम करंट मान लेते हैं। जब नल चालू करने के लिए प्रेशर देते हैं उसे वोल्टेज कहते हैं, तब पानी यानी करंट फ्लो होता है। इस पूरी प्रक्रिया को पावर कहते हैं। यानी आप इमेज में देख सकते हैं, करंट फ्लो करने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ता है वोल्टेज, तभी करंट फ्लो होता है। इस तरह वोल्टेज यानी प्रेशर भी करंट यानी फ्लो एम्पियर और पावर यानी कि जो वर्क हुआ है वो पावर W। सिंबल ऑफ वोल्टेज V, इसका सिंबल V है। ऐसा यूनिट इसका वोल्ट है। ओम लॉ के अनुसार इसका इक्वेशन है V इक्वल टू IR। अब आगे देखते हैं व्हाट इज पावर।
इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफरेड बाय अन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में से कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी पसार हुई है वह दर इलेक्ट्रिक पावर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इसका सिंबल W होता है, उसके टाइप है DC पावर और AC पावर। AC पावर में अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, और इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। P यानी पावर इन वॉट, V यानी कि वोल्टेज इन वोल्ट, और I यानी कि करंट इन एम्पियर। तो दोस्तों, ये थी करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में बेसिक जानकारी। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।